स्वागत है एक बार फिर आपका। आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की बात करते हैं। तकरीबन 4,814 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है और ये कहा जा रहा है कि 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी। नगेंद्र साहब आपसे ही सवाल है, देखिए 2018 तक का लक्ष्य रखा। देखिए लगातार जो है कांग्रेस की सरकार जो रही है और हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाता है, बिजली उत्पादन से लेकर बिजली पहुंचाने तक का दोनों का काम, और ये एक सतत प्रक्रिया संभव है, ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। संभव है, मैं वही आपकी बात पे आ रहा हूँ कि जिस तरीके से जो है हमारे मोदी सरकार जो आई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, उसी तरीके से ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जुमला है कि जो है 2018 तक सारे गांवों को जो है ये बिजली पहुंचा देंगे। ये एक लगातार होने वाली प्रक्रिया, और इनको बकायदा आंकड़े पेश करने चाहिए कि पिछले 3 साल में इन्होंने कहां कितने गांवों तक बिजली पहुंचाई है। ये आंकड़े पेश किए जाने चाहिए। आप बिल्कुल जो है आप जो आंकड़े पेश करेंगे उसी के आधार पर तय होगा ना कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपने जो है घोषणा कर दी, आपने घोषणा कर दी कि हम 2020 तक जो है किसानों की आय दुगना कर देंगे। अरे आप घोषणाएं करने से बात थोड़ी ना होती है, आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। आप जो योजनाएं बताए, आम आदमी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे ही है मेरा। 2019 में बेघरों को 1 करोड़ घर देने का लक्ष्य रखा गया है, सुनने में तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जो है बेघर लोग जो है उनको घर मिलना चाहिए, ये उनकी एक जरूरी नहीं हो सकता है, बहुत ही मतलब नगेंद्र साहब हो सकता है ऐसा, क्या मानते हैं आप? देखिए मैं यही आपको कह रहा हूँ कि घोषणा करना अलग बात होता है और उसको धरातल पे लेके आना अलग बात होता है। आपने जो घोषणा की है वो आपके पिछले 3 साल के कार्यकाल के आधार पे हम तय करेंगे। पिछले 3 साल में आपने क्या किया? 3 साल की आपकी जो जितनी भी घोषणा है वो कहीं ना कहीं धरातल पर सही तरीके से लागू नहीं हो पाई। चाहे रूट मैप चाहते हैं आप, बिल्कुल रूट मैप आपको तय करके बता रहे हैं। 2018 तक देश के सभी गाँव में बिजली पहुंचाई जाएगी। दूसरा सवाल मेरा, 2019 में तकरीबन 1 करोड़ घर बनाने का वादा किया है और वो घर जो है गरीब तबके के लोगों के लिए बनेंगे। 4,814 करोड़ रुपए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत खर्च होंगे। इन दोनों को मिला के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये संभव है? क्योंकि कोई रूट मैप सामने नहीं आया, सवाल सिर्फ इसलिए है। देखिए सारे रूट मैप आप चाहे कि बजट के भाषण के अंदर ही आपको मिल जाए, संभव नहीं होता। बजट के भाषण का जो प्रारूप होता है उसको पूरा स्टडी करना पड़ता है, उसकी स्टडी का भी समय शायद नहीं है, और उसको स्टडी करने के बाद ही रूट मैप की सारी बात हो सकती है। लेकिन सरकार ने सोचा है तो सोचने के बाद हम उसमें विश्वास करते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं। चलिए 2018 आपको पता है 1 फरवरी को बजट पेश क्यों किया गया है? देखिए 1 फरवरी को बजट हमने पेश किया है। क्यों किया गया आपको पता है? सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आपको 1 महीना मिल जाए। बहुत अच्छा कदम है ये, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होने में अभी 1 महीने का वक्त है, उस 1 महीने में हाँ बस इसीलिए मैंने मेरा सवाल ये है कि रूट मैप इसीलिए सवाल है मेरा। देखिए आप जो कहना चाहते हैं न तो हमारी चुनावी घोषणा से जुड़ा बजट है और न अन्य विषय से जुड़ा बजट है। हमने पहले पिछली बार भी कहा था और 3,000 से अधिक गांव बिजली हम पहुंचाने का प्रयास पिछले 1 वर्ष में कर चुके हैं। ठीक है, पिछले बजट भाषण में आप देख लेते हैं जब गांव का लक्ष्य रखा था, बिल्कुल उस लक्ष्य को हमने पूरा प्राप्त किया। हम मान के चलिए 2018 तक हम इस लक्ष्य को पूरा प्राप्त करके रहेंगे, देश के सभी गांव में बिजली बिल्कुल निश्चित रूप से। आप और फ्री ही बैठकर चर्चा करेंगे बिल्कुल, और फिर हम आप बताएंगे हमने ये लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है 19 तक, निश्चित मान के चलिए हम ऐसा करेंगे। एक आसमान के छेद दियो तो एक पत्थर तो जाके देखो यार, निश्चित रूप से हमने जो सोचा है उस काम को हम करके रहेंगे। चलिए युवाओं की बात आ गई, डॉक्टर नगेंद्र आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, चूंकि आप खुद एक युवा नेता है और युवाओं के बीच में रहते हैं। 2022 तक स्किल इंडिया के तहत 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, मात्र ट्रेनिंग देने से रोजगार उपलब्ध हो जाएगा? देखिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव में घोषणा की थी कि 1 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे। आपकी मुख्यमंत्री ने भी कुछ और बोला था, हमारे यहाँ की जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी ये कहा था कि 15 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे 5 साल के अंदर। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से इन घोषणाओं का हश्र हुआ है, पूरे तरीके से युवाओं की क्या स्थिति है ये हमसे किसी से छुपी हुई नहीं है। युवाओं में जिस तरह का दर्द और आक्रोश है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप देखिए कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कितने लाखों लोग जो है बेरोजगार हुए हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सरकार जो है सिर्फ लोक लुभावन जो है घोषणाएं कर रही है, पूरे तरीके से जुमलों ये साबित हो रहे हैं और युवाओं में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। और आप जहां तक स्किल इंडिया और इसकी बात हम करते हैं तो आप स्किल इंडिया का में जो काम हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सिर्फ जो है रजिस्टर में जो है नाम डाल दिए जाते हैं और उसके आधार पे जो है सिर्फ कागजों में काम हो रहा है, बाकी धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। पारिक साहब मात्र ट्रेनिंग देने से रोजगार मिल जाएंगे?
कोई प्लेसमेंट वगैरह की व्यवस्था नहीं हो सकती है सरकार की तरफ से? जब आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो साथ में प्लेसमेंट भी होना चाहिए। निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। एक साथ प्लेसमेंट भी होगा और ट्रेनिंग भी दी जाएगी, दोनों विषय एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों ही विषय चलने वाले हैं। लेकिन आप इस बारे में जल्दीबाजी में सारी बात कहना चाहते हो, कहना चाहते हो बजट आ जाए, टैक्स के क्षेत्र में युवा रोजगार देने की बात चल रही है, तीन साल पिछले सरकारी नौकरी मिलती है रोजगार स्टार्टअप इंडिया माध्यम से रोजगार देगा। अरे आगे 60 वर्ष तक कुछ नहीं किया मनरेगा में, हमने हम डिबेट में रहे, हम आपने बोला गड्ढे नहीं है लेकिन अब तालाब बनाए जाएंगे। नगेंद्र साहब, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27,000 करोड़ खर्च होंगे, गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, जाहिर सी बात है एक अच्छा कदम है। आगे मैं आपको आगे बढ़ना चाहूंगा, मनरेगा के लिए अब 48,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है बजट में। 5 साल में तालाबों को ठीक किया जाएगा। तो सवाल मेरा ये है पारिक साहब कि ये जो तीनों चीजें हैं, ग्रामीण सड़क योजना में 27,000 करोड़ खर्च होंगे, मनरेगा का बजट 48,000 करोड़ रुपए रख दिया गया है और 5 साल में तालाबों को ठीक किया जाएगा, 5 साल में। देखिए पहली बात बता दूं आपको, हमारी सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, सड़कों के अंदर स्वर्ण चतुर्भुज योजना के नाम से, प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से योजना शुरू की गई। बिल्कुल, देश के अंदर कांग्रेस ने बंद नहीं की, लेकिन हाईवेज का जाल हमने बिछा दिया और देश को एक अच्छी रोड देने का काम किसी सरकार ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। प्रतिदिन के आंकड़ों के हिसाब से औसतन हो रहा है काम, हो रहा है विषय पर आ रहा हूं। लेकिन कांग्रेस की 10 साल की यूपी सरकार ने इस विषय पर कोई काम नहीं किया, देश को कई बड़ी परियोजनाओं से विफल रखा। नाम बताइए ना, आप कांग्रेस का नाम लेके काम नहीं चला सकते, आपको नाम बताना पड़ेगा। पारिक साहब आपसे भी मैं आपको भी कहूंगा बार बार ट्रेनिंग चलाना तो ठीक नहीं है। देखिए आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो एक दो कोई तो तथ्य रखिए सामने, आप सीधे मतलब हर चीज पे 60 साल के राजनीतिज्ञ का काम नहीं चलता है वो, चलिए अलग बात है। लेकिन देखिए पारिक साहब ये तो वाकई में ऑब्जेक्शन वाली बात है, नगेंद्र साहब गलत नहीं है यहाँ पे कि आप हर बात पे ही 60 साल का रोना लगा। 60 साल रोना नहीं है, मैंने कहा प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने स्वर्ण चतुर्भुज योजनाओं के माध्यम से देश में सड़कों का बहुत बड़ा जाल फैलाया है। 100 दिन रोजगार देने की गारंटी फिर ले रहे हैं आप। बिल निश्चित रूप से हमने कहा करेंगे, हमने कब कहा आपका जो मान रहेगा, जो आपका विफलताओं का स्मारक बना हुआ है उसको हम चलाएंगे, लोग बताएंगे आपने 60 साल तक इस देश के लोगों को रोजगार दिया होता तो खड्डे खोदने काम नहीं होता, उसको हम बदला है। हमने कहा हम तालाब बनाएंगे, मनीष साहब ठीक करेंगे 100 दिनों में। मनीष साहब ये तो हो गया, बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक दूसरा सवाल किसानों से जुड़ा हुआ उसके बाद में मैं आपके पास आऊंगा। मनीष साहब 4.1% कृषि विकास दर रहने की बात हो रही है, संभव है आपको लगता है जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं किसानों के लिए और किसानों के लिए काफी घोषणाएं की गई है? हाँ, कृषि विकास दर नहीं, लेकिन आपको लगता है कृषि विकास दर, विकास दर मानसून पे निर्भर करती है, मानसून कैसा होता है क्या होता है तो फिर सरकार दावा कैसे कर सकती है 4.1% लेने की बात हो रही है? सरकार दावा कर रही है, यदि सरकार दावा कर रही है तो पॉसिबल है, मानसून विभाग है वो दावा करता है कि कितनी बारिश होगी कितना परसेंट, किसानों की आय 5 साल में दोगुनी होने की बात भी हो रही है। कृषि विकास दर 4.1% रहती है तो किसानों की आय डबल हो सकती है आराम से 5 साल में। तो ये तो सिर्फ बरसात पे निर्भर करता है, मौसम पे निर्भर करता है, किसान की जो खेती है वो हमेशा बारिश पे निर्भर करती है, मौसम कैसा रहता है क्या रहता है उसके ऊपर। सरकार के दावों
पे सरकार के दावे अब ठीक है, सरकार ने जो भी दावे किए वो ठीक है। नरेंद्र साहब बड़ा सवाल आपसे ही है मेरा ये कि सरकार का कहना है कि 5 साल में आय दोगुनी कर देंगे और किसान जो है वो कर्ज में डूबे हुए हैं। एक सर्वे के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के देश के हर सूबे में, यहाँ तक कि पंजाब में तो हालात ये है कि प्रत्येक किसान औसतन 8 लाख तक के कर्जे में डूबा हुआ है। हमारे प्रदेश में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। उस स्थिति में कैसे संभव है कि हम आय दोगुनी कर देंगे? देखिए डार्क जोन में जा चुका है प्रदेश पूरा। मैं पहले तो मनरेगा की चुकी बात यहाँ पे हुई है, मैं उसके बारे में अपनी बात रखना चाहूंगा जी, कि पहले दिन से प्रधानमंत्री लगातार मनरेगा का विरोध कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं उसकी आलोचना प्रधानमंत्री जी की तरफ से की जा रही है। वो तो आधार कार्ड की भी हुई थी, पिछले बजट में उन्होंने उसका बजट भी जो है उन्होंने कम किया, लेकिन जिस तरीके से इस बजट के अंदर अरुण जेटली जी जो हमारे वित्त मंत्री है उन्होंने जो है बजट बढ़ाया है 10,000 करोड़ रूपए ज्यादा पिछले साल की तुलना में, तो एक सराहनीय कदम है और ये साबित करता है कि जो मनरेगा की योजना है एक बहुत सशक्त योजना है, ग्रामीणों को, मजदूरों को, गरीबों को सशक्त करने की योजना है। और ये पूरे तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाया है। जो प्रधानमंत्री जी मनरेगा को गड्ढा खोदने की योजना कहते हैं, उनको वित्त मंत्री जी ने एक आईना दिखाया है और बताया है कि नहीं, ये योजना जो है सशक्त करने वाली योजना में तालाब बनेंगे साहब। बिल्कुल यही कह रहे हैं, वो तालाब ही बन रहे थे, वो जो है हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि को सशक्त करने का ही माध्यम था, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सवाल पे आइए, कृषि विकास दर की बात है तो ये पूरे तरीके से जो है मुझे एक चुनावी घोषणा नजर आती है कि जो है आने वाले जो 5 साल में दोगुनी कैसे संभव है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है उसके आधार पर उन्होंने इस तरह की घोषणा करी है, क्योंकि जो चीज आप देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों में किस तरह से किसानों की स्थिति है, कर्ज में डूबे हुए हैं, लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी कमर टूटी हुई है और रही सी जो कसर है वो नोटबंदी ने पूरी कर दी, और उसके बाद जो है सरकार से लगातार कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के बीच में जा रही है, किसानों की बात जो है सरकार के समक्ष रखिए। खुद राहुल गांधी जी ने जो है मोदी जी से कहा कि आप किसानों का कर्जा माफ कीजिए, लेकिन उसके बारे में जो है बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया। 60 दिन का ब्याज माफ हुआ है? नहीं, ब्याज माफ नहीं, हम कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं। ब्याज माफ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। महज 2 महीने का ब्याज माफ कर देने से किसानों को राहत मिलेगी? किसान ने कर्ज लिया है वापस होगा, वापस देना एक सामान्य नागरिक का आमदनी नहीं हो रही साहब, निश्चित रूप से हमने आपके कमर तोड़ दी। नगेंद्र साहब रुकिए, हाँ ठीक है बोलिए। मेरा कहना है कि किसान ने कर्ज दिया उसको वापस देने की बात है, वापस होना चाहिए, ईमानदारी की बात है। जब किसानों का हमने ब्याज माफ किया है, किसान यदि पीड़ा में होगा तो और ब्याज माफ होगा और आगे बात होगी, लेकिन जो मूलधन है वो निश्चित रूप से देश क्षेत्र में वापस होना आवश्यक होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप फिर 5 साल में आय दोगुनी करने की बात, उस बात पर आते हैं। हमने आज बजट प्रावधानों में ज्यादा पूर्णतः बजट को पढ़ने के बाद कहा जा सकता, लेकिन जहां तक बजट प्रावधानों में आया सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से, सूक्ष्म अच्छा उन्नत बनाने के माध्यम से, बीज भंडारण के माध्यम से और जींस मंडियों पर शेड्स लगाने के माध्यम से, हम सोयल कार्ड के माध्यम से और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। नहीं, लेकिन जो आप ये तो जो तमाम जो आपने चीजें गिनाई सोयल कार्ड वगैरह ये जो भी है, तो प्रदेश की अगर स्थिति देखें आप, आपके सामने साहब डार्क जोन हो, आप प्रदेश की जब बजट आएगा उस दिन पानी नहीं है, निश्चित रूप चर्चा करेंगे, पानी नहीं है, निश्चित रूप चर्चा करेंगे, उस दिन जरूर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा बजट नहीं है, हम प्रदेश के बजट पर उस दिन चर्चा करेंगे। आज आपने जिस विषय पर बुलाया, प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब अगर किसानों की बात, फिर आप किसान बात करते हैं, आपके लिए सूक्ष्म खेती की सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, राजस्थान को होने वाला है। यदि ड्रिप खेती का माध्यम से फायदा होने वाला है किसी को होने वाला, राजस्थान को होने वाला है। राजस्थान के अंदर काफी सालों से सौर ऊर्जा, एक मिनट, उसके लिए प्रावधान, बजट प्रावधान की बात मैं कर रहा हूँ, सौर ऊर्जा के माध्यम से किसी को फायदा होने वाला, राजस्थान को होने वाला है, राजस्थान को होने वाला है, बड़ा ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।